हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके मार्च माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, आप में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो है उसे पहले की तरह 10-10 दिन के समय अंतराल पर, यानी कि 10-10 डेज के बेसिस पर जो है करंट अफेयर के वीडियो अवेलेबल कराया जाए। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अभी चल रहा है आपके कोरोना संक्रमण का काल, चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण ना तो आपकी गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आ रही है, ना ही कोई आपके महोत्सव का आयोजन हो रहा है, ना ही कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ना ही कोई खेल का आयोजन हो रहा है, जिसके कारण आपके लिए बताने के लिए कोई भी करंट अफेयर के ज़्यादा कंटेंट रहते नहीं है। अगर सफिशियंट अमाउंट में कंटेंट है तो 10-10 डेज के बेसिस पे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती के 10 डेज पे एक पूरे बोर्ड भर को लिख करके आपको करंट अफेयर का वीडियो बताना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, जब मुझे लगा कि एक सफिशियंट आपका कंटेंट अवेलेबल है 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, तो आपको उस बेसिस पे वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपका जो है मंथली बेसिस पे वीडियो आएंगे जब तक सफिशियंट कंटेंट अवेलेबल ना हो। और साथ ही आपका इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो आना स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक, चलिए समझते हो चलिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका भूलन द मेज। भूलन द मेज जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित एक फिल्म है, इस फिल्म को मिला है आपका 67th नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा यानी कि छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय भाषा का फिल्म है आपका भूलन द मेज, जिसे आपका 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्षेत्रीय भाषा पुरस्कार से नवाजा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम का यह प्रश्न बनेगा। और यह नंबर को भी याद रखिएगा, 67th नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा के फिल्म का पुरस्कार मिला है आपके भूलन द मेज को। इसके निर्माता एवं निर्देशक है मनोज वर्मा, यानी कि इस फिल्म के आपके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है आपके मनोज वर्मा। ये जो आपकी फिल्म है, ये फिल्म आधारित है एक पुस्तक, एक उपन्यास, उस उपन्यास का नाम है आपका भूलन कांदा। ठीक है, एक पुस्तक है जो कि एक उपन्यास है, संजीव बख्शी लेखक है आपके, संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित ये आपकी फिल्म है भूलन द मेज। इसमें जो आपके अभिनय करने वाले जो मुख्य कलाकार है वो है आपके ओंकार दास मानिकपुरी, जो पहले भी बॉलीवुड के काफ़ी बड़े फिल्मों में यह कार्य कर चुके हैं, जैसे कि पीपली लाइव। ठीक है, पीपली लाइव एक फिल्म थी जिसमें ओंकार दास मानिकपुरी कार्य कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म में मौजूद है भूलन द मेज। देखिए, भूलन द मेज जो है ये संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित एक फिल्म है, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। एक्चुअली क्या है, भूलन कांदा एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिस पर किसी भी व्यक्ति के अगर पैर पड़ जाए इस भूलन कांदा पौधा पर, तो वह व्यक्ति सारे चीज़ें भूल जाता है, और तब तक उसे जो है चीज़ें याद नहीं आती जब तक कोई आकर के उसे छू ना ले। तो इस प्रकार से भूलन कांदा पौधा, जिसके ऊपर पैर रखने से कोई व्यक्ति अपनी चीज़ों को भूल जाता है और जब तक कोई छू ना ले उसे तब तक जो है चीज़ें याद नहीं आती, इसको लेते हुए न्याय व्यवस्था के ऊपर बनी हुई एक फिल्म है आपकी भूलन द मेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भूलन कांदा पुस्तक है, एक उपन्यास है जिसके लेखक है संजीव बख्शी। ये व्यापक में पूछा गया प्रश्न है, भूलन कांदा के लेखक कौन है या भूलन कांदा किसकी उपन्यास है, संजीव बख्शी। अगर भूलन द मेज पूछ रहा है तो उसके निर्माता एवं निर्देशक है आपके मनोज वर्मा। ये आपके संजीव बख्शी जो है ये आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के सुपुत्र है। ठीक है, हिंदी में आप पढ़े होंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके सुपुत्र है आपके संजीव बख्शी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट डाटा आए हैं इस बार, थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। मनरेगा मजदूरी दर सबसे पहले नंबर पर है। मनरेगा मजदूरी दर अभी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, मनरेगा मजदूरी दर निर्धारित की गई है छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में था ये 190 रुपए प्रतिदिन, जिसमें 3 रुपए का इजाफा करके इसे कर दिया गया है आपका 193 रुपए प्रतिदिन। ये आपका लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2021 से ये दर लागू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दर अभी जो है वर्तमान में लागू हो चुका है इस वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2021 पूछ रहा है या 21-22 पूछ रहा है। ये जो आपका 193 रुपए प्रतिदिन है ये आपके वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है।
ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है। नेक्स्ट उपलब्धि, देखिए मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वयन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को जो आपका लक्ष्य प्रदान किया गया था 15 करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजित किए जाने का, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 15 करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया था छत्तीसगढ़ को, तो उसने जो छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य को पार करके 16 करोड़ से अधिक मानव रोजगार दिवस सृजित किया, जो कि लक्ष्य से जो है आपके 7% अधिक है, यानी कि 107% जो है क्रियान्वयन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ है। सेकेंड नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि 105% के साथ आपके सेकेंड पोजीशन पर है। ठीक, अगर हम क्रियान्वयन के मामले में बात करें, यानी कि लक्ष्य के विरुद्ध ज्यादा रोजगार दिए जाने के मामले में अगर हम बात करें, तो हमारे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में पहले नंबर पर है बिलासपुर, जिसने लक्ष्य के विरुद्ध 131% ज्यादा आपका रोजगार का सृजन करके दिया, और सेकेंड नंबर पर है आपकी गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, जो है आपका 125%। तो क्रियान्वयन के मामले में, ठीक है, ध्यान समझते हुए चलिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो आपका लक्ष्य दिया गया था उसके विरुद्ध, यानी कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। जबकि 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार, जो मनरेगा जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, मनरेगा के अंतर्गत भारत के सभी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इस 100 दिन से अतिरिक्त दिवस का भी रोजगार उपलब्ध करा सकती है, लेकिन इस अतिरिक्त दिवस के व्यय का वहन राज्य सरकार को स्वयं करना होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 150 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार। लेकिन ऐसे कितने परिवार है जिसे कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिला, यानी कि मिनिमम 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा 150 दिन तक मिल सकता है। ठीक, तो देखिए इस मामले में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराए जाने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में जो है आपका 5.54 लाख परिवारों को, ठीक है, 5.54 लाख परिवारों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार जो है उपलब्ध कराया गया। और ये जो आपके 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराए जाने के मामले में अग्रणी जिला है आपका राजनांदगांव जिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रियान्वयन के मामले में पहले स्थान पर और 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराए जाने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका सोन कुकनार का मेला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोन कुकनार का मेला जो कि आयोजित हुआ आपके सुकमा जिले में, सुकमा जिले में आयोजित हुआ आपके सोन कुकनार का मेला, जो कि आपका माता मावली देवी का मेला था, माता मावली देवी जिसे दंतेश्वरी माता का प्रतिरूप माना जाता है, तो माता मावली देवी के मेला कहा जाता है आपके सोन कुकनार को मेला को। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेले का आयोजन जो है 12 वर्ष में एक बार होता है, काफी लंबा टाइम गैप रहता है इस मेले के आयोजन में, 12 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन होता है सोन कुकनार सुकमा जिले में, जो कि आपके माता मावली का मेला है। ठीक है, इस मेले में जो हमारे प्रदेश के जो उद्योग मंत्री थे कवासी लखमा, वो भी आपके शामिल हुए थे। ठीक है, प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जो है इस मेले में शामिल हुए थे। तो सोन कुकनार का मेले का आयोजन कहां होता है पूछा जाए तो सुकमा जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोना खान, ठीक है, जो हमारे प्रदेश में जो सोना खान है, सोना खान जो कि एक जमींदारी था और इसके जमींदार थे आपके वीर नारायण सिंह, जिन्होंने आपके 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने भी आपका मोर्चा छेड़ा था। ठीक, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन रही है और यह फिल्म रिलीज होगी आपके 13 अगस्त को। 13 अगस्त को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इसके लेखक एवं निर्देशक डायरेक्टर है आपका अविनाश बावनकर। अविनाश बावनकर जो है वो इस फिल्म के डायरेक्टर एवं लेखक भी है, जबकि इस फिल्म की जो निर्माता कंपनी है वो है आपके रॉकेट रेंज। ठीक है, वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोना खान, ये आपकी मूवी का नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एशिया का सेकंड जंगल सफारी, एशिया का सेकंड जंगल सफारी यह प्रस्तावित है आपके कवर्धा जिले में, जो कि 110 एकड़ भूमि पर यह जंगल सफारी बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित
जंगल सफारी मौजूद है आपके नया रायपुर में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी, मतलब देखिए रायपुर में मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो कि मानव निर्मित है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका रायपुर जो है ये एक सिटी एरिया है, यानी कि एक शहरी एरिया है, तो शहर के बीचों बीच आर्टिफिशियल तरीके से उसे वन क्षेत्र के रूप में विकसित करके वहां पे वन्य प्राणियों को बसाना, ये आपका कहलाता है मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से। तो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी मौजूद है आपके नया रायपुर में, और दूसरा बनाया जा रहा है आपके कवर्धा जिले में। अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, एशिया का दूसरा बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी प्रस्तावित है आपके कवर्धा या कबीरधाम जिले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके नगरीय निकाय सूचकांक, नगरीय निकाय प्रदर्शन सूचकांक 2020। देखिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, पहली बार भारत सरकार के द्वारा जो है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि आपके नगरीय निकाय सूचकांक, नगरीय निकाय प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। ये जो आपका सूचकांक है या ये जो आपका इंडेक्स है, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा आपका भारतीय शहरों के, जो भारत के जो बड़े शहर है, उसका एक आपका इंडेक्स जारी किया गया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि किसी शहर में कितनी सुगमता के साथ कोई व्यक्ति निवास करता है उस पर आधारित एक रैंक जारी किया गया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें अग्रणी शहर है आपका बेंगलुरु, ठीक है। वैसे ही आपके पूरे भारत भर के नगर पालिकाओं का भी रैंक जारी किया गया पहली बार, जिसमें आपके नगरीय क्षेत्र के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वित्तीय प्रबंधन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सभी चीज को पैमाना लेते हुए नगर पालिकाओं का इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है आपके मध्य प्रदेश का इंदौर, जबकि सातवें नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर, ठीक है। ये जो है 10 लाख से अधिक आबादी या जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर शामिल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खेखड़ा नृत्य। खेखड़ा नृत्य, ये जो नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है, फागुन माह में, ठीक है। फागुन माह में होली के अवसर पर बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपका खेखड़ा नृत्य, ठीक। बैगा जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, युवकों को कहा जाता है खेखड़ा, जबकि युवतियों को कहा जाता है खेखड़ी। तो बैगा जनजाति के द्वारा कबीरधाम अंचल में, मैकल श्रेणी का ही पार्ट है आपका कबीरधाम, कबीरधाम अंचल में बैगल जनजातियों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है आपका खेखड़ा नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें गीत गाया जाता है कर्मा फाग गीत, ठीक है। इस नृत्य को करते समय कर्मा फाग गीत गाया जाता है, तथा इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है उसका नाम है आपका ठिसकी, ठिसकी वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। इस आपके नृत्य के समय कोई विशेष प्रकार या कोई नया पोशाक यानी कि वस्त्र नहीं पहना जाता, बल्कि इसमें मुखौटा पहन करके यानी कि चेहरे पे एक मास्क लगा करके, एक मुखौटा पहन करके ये नृत्य किया जाता है, तथा इसमें होली खेला जाता है पलाश के फूल से बने हुए गुलाल से, ठीक है। पलाश यानी कि टेसू के वृक्ष में होता है पलाश का फूल, उसे सुखा करके, उसे पीस करके जो प्राकृतिक तरीके से गुलाल बना करके उससे खेली जाती है होली आपके इस बैगज जाति के द्वारा, और किया जाने वाला नृत्य है आपका खेखड़ा नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता एंथम। स्वच्छता एंथम, ये जो आपका स्वच्छता एंथम है, ये गाया गया है आपके शंकर महादेवन के द्वारा, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर है, इनके नाम पर रिकॉर्ड भी है। ये आपके ब्रीथलेस आपका गाना गाते हैं, ब्रीथलेस मतलब एक ही सांस में पूरे गाने के लाइन एक ही बार में गा देते हैं बिना रुके, ठीक। शंकर महादेवन, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए गाया है स्वच्छता एंथम। क्यों गाया है, क्योंकि बीते 2 साल से जो स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाती है भारत भर में, उसमें सबसे स्वच्छ शहर के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो आपके अग्रणी राज्य है, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। इसीलिए जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है स्वच्छता एंथम लॉन्च किया गया, इसके बोल है स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ठीक। आज के डेट में जितने भी आपके कचड़े उठाने वाली गाड़ी है उनके ऊपर जो माइक लगे रहते हैं उसमें आज के डेट में यही वाला गाना आपका चलाया जा रहा है, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये छत्तीसगढ़ का स्वच्छता एंथम है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव एवं संगोष्ठी 2021। अभी हाल ही में आपके सिरपुर में, महासमुंद जिले के सिरपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये आयोजन रहा आपके 12 से लेकर 14 मार्च के मध्य, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए आपके बौद्ध भिक्षु नागार्जुन सुरई ससाई,
ठीक है, ये आपके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर जो है ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ भी चुके हैं, तो यहीं पर आपके बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव एवं संगोष्ठी 2021 का आयोजन हुआ, स्थान का नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लघु वन उपज खरीदी। पूरे देश भर में लघु वन उपज क्रय करने के मामले में यानी कि खरीदी करने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो देश में पहले नंबर पर है। पूरे देश में जो आपके लघु वन उपज की खरीदी होती है तो पूरे देश में खरीदे गए लघु वन उपज का 73% जो खरीदी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही होती है। ठीक है, यानी कि 3/4 पूरे देश भर में जो लघु वन उपज की खरीदी होती है उसमें 73% केवल छत्तीसगढ़ में ही लघु वन उपज की खरीदी की जाती है। तो लघु वन उपज खरीदी के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो देश में पहले स्थान पर है और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 52 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी आपके समर्थन मूल्य पर की जाती है। नेक्स्ट देखिए, आकांक्षी जिला। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है आपके शिक्षा क्षेत्र के मामले में, जो कि जनवरी 2021 में ये आपका डेल्टा रैंकिंग आया था। आकांक्षी जिले होते क्या है? आकांक्षी जिले ऐसे जिले होते हैं जिनके पास विकास करने के लिए समुचित उनके पास संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी कारण से वो जो है समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। ठीक, जैसे कि दंतेवाड़ा जहां पर आपकी बचेली किरंदुल की माइंस है, NMDC संयंत्र है, यानी कि एक पूरे उसके पास खनिज संसाधन उसके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी वो जो है आपका पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे जिले जिनके पास आपके विकास के समुचित संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी वो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिले की श्रेणी में रखा गया है। तो आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग समय समय पर नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जनवरी 2021 में शिक्षा क्षेत्र की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 3rd स्थान पर है दंतेवाड़ा, जबकि 4th स्थान पर है आपका बस्तर। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका जगदलपुर मेडिकल कॉलेज। काफी समय से चर्चा में था कि जो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है उसका नाम परिवर्तित करके रखा जाएगा आपके शहीद महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा जो कि मई 2013 में झीरम घाटी नक्सलाइट हमले में शहीद हो गए थे, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, तो उनके याद में जो आपके जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है, तो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज जिसका नाम पहले का नाम था आपका स्वर्गीय बलिराम आजाद मेडिकल कॉलेज, तो ये नाम परिवर्तित करके रखा जाना था आपके शहीद महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज, लेकिन लोगों के द्वारा विरोध किया गया और शहीद और जो आपके स्वर्गीय बलिराम आजाद है उनके भी जो है आपके कार्यों को ध्यान में रखते हुए आवाज उठाया गया कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय बलिराम आजाद मेडिकल कॉलेज ही रहेगा, जबकि इस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित एक अस्पताल है उसका नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा अस्पताल रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय बलिराम आजाद मेडिकल कॉलेज ही रहेगा, जबकि उसके अंतर्गत संचालित एक अस्पताल का नाम रहेगा आपका स्वर्गीय महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 3 बिजली कंपनी। हमारे प्रदेश में जो है आपकी बिजली की जो बिजली संबंधी जो निगम है उसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, जिसका गठन हुआ था आपके 15 नवंबर 2000 को। इंपॉर्टेंट है, ये PSC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 आया हुआ प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है। ये जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो है इसका पुनर्गठन किया गया 1 जनवरी 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करके इसके अंतर्गत 5 कंपनियों की स्थापना की गई थी, जो कि थे आपके पावर होल्डिंग, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर ट्रेडिंग। ठीक है, यानी कि जो आपके विद्युत का उत्पादन किया जाता है उस विद्युत को होल्ड करके रखना, विद्युत का जनरेशन करना, विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विद्युत को बांटना, ट्रांसमिशन करना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ट्रेडिंग यानी कि उसको बेचना। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपके 5 कंपनियों की स्थापना की गई थी आपके छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, जिसका पुनर्गठन किया गया था आपके 1 जनवरी 2009 को इसका पुनर्गठन करके 5 कंपनियों की स्थापना की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से अब जो है इस 5 कंपनी के स्थान पर केवल 3 कंपनियां ही रहेगी, 2 कंपनी का विलय बाकी 3 कंपनियों में कर दिया जाएगा, यानी कि होल्डिंग को हटाया जा रहा है और आपका ट्रेडिंग को हटाया जा रहा है, होल्डिंग और ट्रेडिंग जो है बाकी इन 3 कंपनियों में ही मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो
प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत कितनी कंपनियां संचालित है या कितनी विद्युत कंपनियां संचालित है, तो वर्तमान में 3 जो कि 1 अप्रैल 2021 से 2 जो आपकी यूनिट है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए व्यक्ति परिचय। बहुत सारे आपके सिंगल वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको ध्यान समझते हुए चलिएगा। व्यक्ति विशेष या व्यक्ति परिचय, सबसे पहले नंबर पर है छाया वर्मा। छाया वर्मा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक सांसद है, इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश के किस सांसद को सांसद रत्न अवार्ड 2020 से नवाजा गया, तो वो है आपकी छाया वर्मा। सेकंड नंबर पर है अमिता श्रीवास। अमिता श्रीवास जो कि आपके माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में मौजूद है, आपके माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही है। ठीक है, इन्हें जो है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी जो है इन्हें बधाई दी थी। इस माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है आपकी 5,895 मीटर। माउंट किलिमंजारो के ऊपर फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही छत्तीसगढ़ की कौन है, आपके अमिता श्रीवास। इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न बन सकता है। सेकेंड नंबर पर है नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ जो कि पर्वतारोही है, काफी फेमस है, इनसे ही प्रश्न पूछा गया था जब इन्होंने भागीरथी चोटी फतह की थी। ठीक है, तो जो आपके नैना सिंह धाकड़ है, इन्होंने हाल फिलहाल में माउंट एवरेस्ट के एक बेस जिसकी ऊंचाई है 5,354 मीटर, एक बेस तक इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी करी, यानी कि पर्वतारोहण किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भ्रमर जैन। भ्रमर जैन जिन्होंने आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो चार्टेड अकाउंटेंट जो सीए का ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है उसमें देश में प्रथम स्थान हासिल किया है आपके भ्रमर जैन ने। ठीक है, देश में प्रथम स्थान हासिल किया है चार्टेड अकाउंटेंट के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में ओवरऑल रैंकिंग पे ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और आजकल जो पीएससी और व्यापम जो है ये इस प्रकार के स्टूडेंट की रैंकिंग से भी प्रश्न पूछना चालू कर दिए हैं। ठीक है, जेई एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपर थे, उनसे रिलेटेड एक साल क्वेश्चन पूछा गया है हमारे ही छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, तो टॉपर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भ्रमर जैन जो कि रायपुर के हैं, जिन्होंने आपके द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट के जो आपका एग्जाम होता है उसमें ओवरऑल ऑल इंडिया रैंकिंग जो है इनकी फर्स्ट रही। ठीक, नेक्स्ट है आपका सृष्टि बापना। सृष्टि बापना जो कि दुर्ग जिले की है, दुर्ग जिले की सृष्टि बापना जो कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में इन्होंने टॉप किया। ये भी पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर रही सृष्टि बापना, जो कि इसरो द्वारा आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में टॉप पर रही। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, दुर्ग जिले से है। संप्रिया पूजा निषाद। संप्रिया पूजा निषाद जो है एक पंडवानी कलाकार है या एक पंडवानी गायिका है, इनका भी नाम याद रखिएगा, उभरती हुई कलाकार है, पंडवानी गायिका आपका संप्रिया पूजा निषाद। उसके बाद है डॉक्टर मांडवी सिंह। डॉक्टर मांडवी सिंह ये अभी करंट अफेयर का तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड याद रखिएगा, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जब आयोजन हुआ था तो इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया था। डॉक्टर मांडवी सिंह जो कि आपके छत्तीसगढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय, उसकी पूर्व कुलपति थी। वर्तमान में तो आपकी मोक्षदा चंद्राकर, यानी कि जो आपकी ममता चंद्राकर है वो आपकी वर्तमान कुलपति है, लेकिन इससे पहले जो कुलपति थी वो थी आपकी डॉक्टर मांडवी सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला कुलपति होने का दर्जा इन्हें प्राप्त है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कुलपति जो कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति थी, उसके बाद जो है अभी वर्तमान में उस खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की जो आपकी कुलपति है वो है मोक्षदा चंद्राकर या ममता चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की पहली कुलपति, महिला कुलपति होने का दर्जा जो है वो आपके डॉक्टर मांडवी सिंह को प्राप्त है, जो कि आपके कथक नृत्य, ठीक है, कथक नृत्य में जो है इन्हें ख्याति प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कुलपति है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह किस क्षेत्र में ख्याति लब्ध है, तो ध्यान दीजिएगा वो कथक नृत्य से संबंधित है आपके डॉक्टर मांडवी सिंह। उसके बाद राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट ये आपका खोला गया रायपुर जिले में। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट का मतलब ऑनलाइन तरीके से सुनवाई होना, यानी कि एक आपका कोर्ट रूम बनाया गया है जिसमें जज बैठेंगे जो किसी भी केस की सुनवाई ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है पूछा जाए तो आपके रायपुर जिले में। ठीक है, तो ये रहा आपका मार्च माह का करंट अफेयर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।